क्वालिटी आपके सामने है नायाब नगीने भाई, इसका थोड़ा डिटेल और थोड़ा सा ना हम लोग इसके डेप्थ में बात करेंगे एक एक बकरे की। जी, ये करीब 39-40 की हाइट पे 105 किलो के करीब 110 किलो के बीच में वजन है, दांतों में 8 फ्रेश किया है। ये वीडियो बन रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी, 26 जनवरी है जी। हमारा रिपब्लिक डे इंडिया का वही दिन समझो ये वीडियो बन रहा है। और सोचो आप अभी 5 महीने बाद बकरा ईद है, अगर सही और मेहनत हो गई इसके ऊपर दिस गोट विल बी अराउंड 140-145 kg। सही है, तो आप लेके यहाँ पलाई पे रख लेंगे भाई? नहीं, रख भी लेंगे और कोई ले जाए तो भी चलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, दोनों ऑप्शन है, पर ले जाए तो बेहतर है भाई, थोड़ा सा जेड़ा का मामला है बस ये। सही जेड़ा भाई, तो आप छोड़ो बकरे को, आप दांतों में कितना भाई है? भाई 8 फ्रेश किया है भाई। वाह भाई, कैसा है ना यहाँ पे, आपको पता है राजस्थान में इस सीज़न में तेल लिया जाता है जी, तो भाई ये कुछ करीब 1.5 से 2 किलो तेल वाले तेल दिए बकरे। वाह, बहुत नायाब, जो भी कोई भाई इंटरेस्टेड हो प्लीज़ कांटेक्ट करें अलकरम, माशाल्लाह। लाइए भाईजान एक और नायाब चीज़ आपके सामने। वाह, वॉकिंग लाइक अ लायन बेटा भाई, इसको नहीं भी पकड़ो तो चलेगा, एक मिनट। ओहो, हाय इब्राहिम भाई, बहुत बकरे पकड़ के दिखा दिए, ऐसे बकरों को तो छोड़ के दिखाना बेहतर है। थोड़ा सा भाई घबराए भाई अपनी जगह पे अभी, नहीं नहीं घबराना, घबराएगा यार भाई, अपने पूरा घर बार छोड़ के आया है, क्या डिटेल पे आप बता दो यहीं खड़े भाई। छठा दांत फ्रेश किया है, हाइट 40 के करीब, वेट करीब 105 किलो। मेरे को दो टाइप के बकरे बहुत पसंद है, एक जो ऐसा खड़े रहते हैं शेर जैसा जी, और दूसरे जो अपने आप चलते हैं जी। ये दोनों क्वालिटी इसके अंदर है। पैर देख लो आप, बड़े बकरों में देखा जाता है ना पैर, तो पैर भी देख लो आप। ये भी इंशाल्लाह उम्मीद के मुताबिक 135-140 जाना चाहिए इंशाल्लाह। सही है। सो दोस्तों ये सब अच्छे बकरे, लो पालो और इन्जॉय करो, इसको जान दो जेठा भाई, और ये बकरा छोड़ दो अभी आप। बहुत शानदार, तीसरा बकरा आपके सामने आ चुका है, इसको क्या बोलेंगे, गुलाबी मेवाती बोलेंगे के गुजरी मेवाती भी बोल सकते हैं भाई, गुजरी भी बोल सकते हैं, सजद गुजरी क्रॉस भी बोल सकते हैं। और कितनी नस्लें बताएंगे, मतलब देखिए आप भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मेवाती और गुजरी जी है ना, ओके, जो ज़्यादा वाइट में होगा हो गुजरी जी। कितने दांत पे, क्या डिटेल पे बकरा? ये छठा दांत लगाया है फ्रेश, 6 दांत पे फ्रेश है। वजन का क्या अंदाज़ा है आपका? 85-90 केजी के बीच में इंशाल्लाह। सही है जी, पूरा शेर है माशाल्लाह। जेठा भाई एक बार जाओ दांत दिखा दो, ले आओ यहाँ पर, छह दांत पे है भाई। ठीक है, आप इसको छोड़ो, वहाँ जान दे इसको, यहाँ छोड़ो, चल बेटा जान दो। वीडियो के हिसाब से हम लोग अभी चौथा बकरा होपफुली देख रहे हैं, अगेन क्वालिटी देख ले आप जी। सारे बकरे काफ़ी चूज करके बहुत उम्दा पाले हुए बकरे दिखा रहे हैं आपको हम लोग। इसका वजन का क्या अंदाज़ा है आपका? भाई 90 किलो का बकरा है, बकरा भाई कोई ले तो 2023 या 24 के लिए, 24 के लिए ले तो ज़्यादा अच्छा है भाई। पर मेरे हिसाब से ऐसा जैसा मेरी भी सोच है, अभी आपने वजन क्या बोले इसका? भाई 90 किलो के करीब, 90 किलो है तो ये बकरे अभी ये सीजन के अंदर तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये सीजन 4 से 5-6 किलो लेते हैं, 125 किलो है ना, नेक्स्ट सीजन में भाई ये बच्चे इंशाल्लाह उससे ऊपर जाएंगे। सही बात है आपकी, मतलब उसमें 150-160 जाने के ना, लोग 150 किलो का बकरा मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको पता है उसकी क्या रेट चलती है, कुछ तैयार करो ना भाई। सही है, पर अगर ये साल के लिए भी तैयारी के लिए बहुत उम्दा है ना भाई, 120 किलो के करीब जाएगा ईद तक के इंशाल्लाह। सीना देख लो, कलर पैटर्न देखो इसका, दांत में कितना है भाई? 6 दांत पे है, छोटी जेठा भाई 6 दांत फ्रेश लगाया है भाई। बहुत प्यारा चेहरा, सिंह देख ले आप इसके,
स्टाइल लेके खड़े होने का। माशाल्लाह भाई, आपको कैसा लगा ये कलेक्शन? बहुत अच्छा लगा भाई, नंबर वन कलेक्शन है। और जब एक एक बकरा देखते हैं तो फिर उनसे प्यार होने लगता है, क्योंकि यू टॉक अबाउट देयर पॉइंट्स, आप उनके पॉइंट्स के बारे में। जैसा भाई ये कान पकड़ो और वो साइड का कलर दिखाओ। हाँ पकड़ो, बस यहाँ देखो ज़्यादा वाइट। चलिए जेठा भाई, इसको भी अभी रवाना करते हैं और नेक्स्ट बकरा देख लेते हैं। भाई एक चीज़ आपने नोटिस की क्या? चाहे इससे पहले की जितने वीडियोज है, ये वीडियो है, चाहे बकरे का कलर कोई भी हो, लेंथ सबकी जोरदार है। तो मैं तो बोला भी पहले वीडियोस में कि आप लोग लेंथ पे काफ़ी काम कर रहे हैं, कम दांत पे बड़े बकरे देखने मिल रहे हैं आपके यहाँ, और बाकी के भी जो पॉइंट्स आप लोग देख देख के ले रहे हो बकरे, लोगों का फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया कि 2-3 हज़ार में से एक बकरा आप लाते हो खरीद, तो आप लोगों के लिए पहले ही सेग्रीगेट कर रहे हो चीज़ों को। अब पीपल डोंट माइंड पेइंग यू 1-3 thousand मोर, बिकॉज आप इतनी मेहनत करके लाना, इनको सेट करना, इनकी दवा दारू करना, मंडी से लाया हुआ और पाला हुआ बकरे में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। बड़े बकरे तो आपको और भी बहुत जगह मिल जाएंगे, यहाँ सेट है, यहाँ पलवाओ, इंशाल्लाह उम्दा से उम्दा रिजल्ट पाओ। जेठा जी नेक्स्ट बकरा ले आओ। जब मैं सोचता हूँ कि ये बकरा मेरा फेवरेट है, उसके बाद में एक और फेवरेट बन जाता है। तो ये देखिए आप, क्वालिटी देखिए आप बच्चे के अंदर। गुजरी में मुंडा बच्चा है, सीने पे जो चेहरे से सीने से आगे के पैर वाइट होने की जो एक बात रहती है ना, वो देखें आप। हाइट भी होगी इसकी 38 है, 39 39-40 इंच इजीली है भाई। आप दांत गेस करो, दांत होएंगे इसके? चार दांत होएंगे, दो दांत पे बताओ भाई। वो भी नहीं है, दो भी नहीं है, वो तो आ रहे हैं अभी, आ रहे है ना, अभी तो गैप करके दो छोटे छोटे दांत है। सीना देख लो आप करीब से, बहुत उम्दा भाई। वजन वो एक कैपेसिटी है 120-125 किलो, 130 की। वजन का क्या अंदाज़ है आपको अभी भाई? करंटली होएगा 85 केजी के करीब इंशाल्लाह। माशाल्लाह, और प्योर 5 केजी एक दांत, प्योर खस्सी बकरा है जी, खस्सी बकरा सही है। छोड़ दो भाई एक बार, हाइट करीब भाई 40 इंच तो इजीली आ जाएगी, फिर भी आप 39। वाह, इसके सर के ऊपर जो ब्राउन पैच आया है बहुत उम्दा। अलग ही रुबाब है बकरे के अंदर, बहुत उम्दा है भाई। एक अलग ही, क्या बोलूँ मैं इसके, शाइनिंग ही अलग है बकरे को। भाई आप क्या सजेस्ट करते हो, बकरा 2023 के लिए लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कैसा ना भाई, ये सब बकरे 100 के ऊपर ही जाएंगे ये साल ही, तो काय को उनको एक साल और पाला जाए। मतलब आप भी सही हो अपनी जगह पे, जिसको हैवी में हैवी, लेकिन क्या होता है भाई, देखिए हम भी इंसान है, 120-130 किलो के बाद बकरा थोड़ा डेंजरस हो नहीं रहता है, जो है हमको फैक बात करना जी, भी जी, जरूरी जी, है जी। मेरे हिसाब से कुर्बानी करो, अगर हैवी कुर्बानी, हमको भी शौक है, 100-120 बराबर है भाई, उसके ऊपर लेके जाना इट्स लाइक डिफिकल्ट, समझ रहे? हम भी हैवी वेट हो जाते, डॉक्टर बोलता कम वेट करो आपका, बिल्कुल सही, हार्ट प्रॉब्लम्स, बाकी प्रॉब्लम्स आने के चांस है। तो मेरा तो यही बोलना है, बाकी मर्जी आप लोगों की है, जैसा कस्टमर को चाहिए भाई वैसा करो, है ना। ये देखिए आप, इनको देखो, ये सब राजा है यहाँ के। हाँ, नीचे उतर गया वो, सीना देखो आप। जेठा जी आप दूसरा बकरा ले आएँ जब तक हम ये बकरे दिखाते हैं, ये सब इनके पलाई का रिजल्ट है। ये सब बकरे ऐसे ही दिखाई देंगे आपको थोड़े दिन में। मक्की चीना को देखो, पेटी देखो उसकी, आप लेंथ की बात करते हो ना हर बकरे में जी, और मैं लेंथ के साथ चेहरे की बात करता हूँ जी। आपके बकरों में देख सकते हो आप खुद, क्योंकि उनकी लेंथ इतनी बढ़ जाती है, चेहरा ऑटोमेटिकली छोटा दिखने लगता है जी। और ये खूबसूरती है बकरे के अंदर, एकदम नासी कलर, मतलब डॉट नासी कलर है, इसके ऊपर और भी कोई डॉट नहीं है, प्योर खस्सी बकरा है। दांतों में कितना होगा भाई? है भाई, चार दांत पे था, अभी शायद 6 लगाया होगा। हालांकि शक्ल से ना भाई, शक्ल से बहुत यंग दिख रहा है बकरा जी। भाई हाइट की बात करें तो होगी 41 इजीली इंशाल्लाह भाई, और वेट 90-92 के बीच। ये सब जो मतलब मैं बोल रहा हूँ अगेन, ये जो हज़ारों बकरे में से फिल्टर करके 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 जो कलेक्शन बनता है ना, उसमें के बकरे हैं। वाह, लेंथ देखो बकरे की आप,
बिल्कुल अच्छे से बाल ट्रिम्ड, लेंथ अच्छी बकरे की, रुबाबदार बच्चा। वजन का क्या अंदाज है भाई? 90 किलो के करीब होना चाहिए भाई, 90 हो सकता है 95 भी आ जाए, 90 किलो पक्का इंशाल्लाह। मतलब देखिए आप, 90 किलो पे बकरा इतना बच्चा दिख रहा है, इतना छोटा दिख रहा है। ये बकरा जब बनेगा 120-130 किलो का, मतलब इट विल बी अनबिलीवेबल थिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए जेठा भाई, जान देते हैं इसको भी। नहीं जान दो, जान दो। या ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अगेन वो तो वीडियो देख के आप खुद समझ जाओगे, लेकिन बहुत उम्दा है। ये भी गुजरी है भाई, देखो आप इसको कैसा साइड ब्लैक। अब कहाँ कहाँ जाके ढूंढते हो भाई? भाई सब कैटलॉग पीसे एक एक करके, है ना, बुटीक में जमा होते जाते हैं। वही जा के क्योंकि ऐसी चीज़ें एक एक करके, चेहरा छोटा, लेंथ बड़ी, कलर ऐसा, गर्दन पे कलर। अब ये कलर देख लिया जेठा भाई, जगह पे घुमा दो बकरे को, वो तरफ दिखाओ इसका आगे। भाई एक पैसे में दो काम है। नॉट बिलीव दिस, यहाँ पर देख के कोई सोजत बोल देगा, वहाँ देख के कोई गुजरी बोल देगा। एक बार पैसा दो, दो बकरों के मजे लो। जेठा भाई दो बार मत खाना खिला देना इसको, ये साइड से देख के फिर वो साइड से देख के। दांतों में कितना है? दो दांत पे भाई। मेरे को लगा ही था तुम ऐसा बोलोगे, फिर मैं आगे आऊँगा, तुम मेरा काम बढ़वाओगे दांत दिखाने का। लाओ सिर्फ दो दांत पे, सिर्फ दो दांत। और वजन का ये है भाई 80-85 किलो के करीब होगा। हो गई पेटी वगैरह देखो। छोड़ो जेठा भाई, भाई कैसा है ना ये बकरे, ईद तक के 120-125 किलो पे आप ये सोचो कि ये उस पर्सनालिटी पे, उस वेट पे कैसे लगेगा। देखो ये एक बात रहती है, बकरा चलता कैसा है ना, घोड़े जैसा चलता है। भाई मेरा पर्सनल फेवरेट वो तरफ से है बकरा, बहुत उम्दा है भाई, बहुत उम्दा। चल चल जान दो जेठा भाई, थोड़ा आगे जान दो। आपका फेवरेट कलर भी दिखा दिया बस जी, खुश हैं अभी आप? चलिए जेठा भाई ले जाओ इसको, अभी कुछ और बकरे हैं एक दो, वो आपको दिखा के फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो तीन अलग शेर आ गए अभी, जब तक नया बकरा आता है आप इधर मज़े लो। सीना देखो आप बकरे का, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतने नायाब नायाब बकरे दिखाने के लिए, बहुत अल्लाह का शुक्र है भाई, माशाल्लाह बहुत उम्दा बकरा है भाई, ज़बरदस्त बकरा। बढ़ती जा रही है, बकरे गिर रहे, पर्दा नीचे गिरा, वो खुद गिरा रहे, जब आप नहीं गिरा रहे हो तो खुद गिरा रहे। सो इब्राहिम भाई ये ब्रांडेड बोलूँ या ये ऐसे कलेक्शन के लिए, बहुत बहुत मुबारक आपको, अल्लाह ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे बकरे देता रहे, आप लोगों की सेवा करते रहे आगे। आप एक बार आपका नंबर बोल दे लोगों। 9802-111-97 मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी, ठीक है। और आपके शर्ट को खा रहा है भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मज़ा आ गया ये पूरे वीडियोस में। आइए अभी आगे चलते हैं और भी वीडियोस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।